आजाद एंड आई एम हियर टू टीच यू बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स. हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. आज हमने इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करना है और इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है. और इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बातें बताता चलूँ कि इस चैप्टर में हमने किस किस चीज़ को डिस्कस करना है. इस चैप्टर का नाम है हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं, जिसके अंदर मेनली हमने ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करना है, जिसके अंदर हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड्स, व्हाट आर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, आरएनए, डीएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए, इन चीज़ों को इंशाल्लाह हमने बहुत डिटेल में जाकर डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर, हर टॉपिक को. आज हम इन चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे कि इस चैप्टर की बेसिक्स क्या हैं, किस चीज़ पे हमने इस चैप्टर को आगे लेके चलना है. बुनियादी बातों को आज हमने समझना है इस चैप्टर के अंदर जो बताई गई हैं. बुनियादी जो इसका पहला सबसे पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर ये असल में जो ये सारी चीज़ें हैं ये बायो की ब्रांच बायोकेमिस्ट्री के अंदर आती हैं. बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. पहली बात मैंने ये आपको बताई है कि बायोलॉजी की ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं जिनका पहले मैंने नाम लिया. एग्जैक्टली बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन ये है कि केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस जो टेक प्लेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, बायोलॉजी की उस ब्रांच को हम किस चीज़ का नाम देते हैं जिसमें हम ये चीज़ें स्टडी करते हैं. केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री. और ये किसकी ब्रांच है? ये बायोलॉजी की ब्रांच है. नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री का अगर हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करना है. हमें बायोकेमिस्ट्री का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए अगर हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को जानना चाहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की. मिसाल के तौर पे हमारे पास रिएक्शन है जो रेस्पिरेशन हम पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस हम पढ़ते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन हम पढ़ते हैं, तो ये सारी जो टर्म्स हैं ये बायोकेमिकल टर्म्स हैं. ये टर्म्स क्या हैं? ये बायोकेमिकल टर्म्स हैं. इन सारी टर्म्स को समझने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री का बुनियादी नॉलेज होना ज़रूरी है. जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को जानने के लिए, ये हमारी पहली बात कंप्लीट होगी. इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें ये देखते हैं कि जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वो ज़्यादातर दो टाइप्स के हैं, मेनली दो टाइप्स के. कौन कौन सी उसकी टाइप्स हैं? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. जो बायोकेमिकल कंपाउंड्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो मेनली दो किस्म के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक में कौन कौन सी कंपाउंड्स आते हैं? प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या चीज़ आती है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं साल्ट्स, एसिड, बेसिस, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये हमारे पास ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल है. और हमने ये बात की कि मेनली ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो किस्म के बायोकेमिकल कंपाउंड्स मौजूद हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, जो बेसिक सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं मिलके. टोटल सेल वेटेज दी गई है बैक्टीरियल सेल की और मेमेलियन सेल की कि उसके अंदर किस परसेंटेज से ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलके उसकी कंपोजिशन कर रहे हैं. उसका एक एक जो उसकी जो राइटिंग्स हैं, जो उसके अंदर कैलकुलेशंस हैं, वो आपने एक एक को याद करना है, एक एक परसेंटेज को आपने याद करना है जो वेटेज दी गई है बैक्टीरियल एंड मेमेलियन सेल के अंदर. नेक्स्ट हम एक अब अगली बात करते हैं मेटाबॉलिज्म. एक हमारे हमने टॉपिक को पढ़ना है, लेकिन इससे पहले हम एक और बात करते हैं, इनको आपने समझना है. वो ये कि एक ऑर्गेनिज्म के उसको उसकी ज़िंदगी को के सर्वाइवल के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं. ज़रूरी ये हैं कि जो एक सेल है ऑर्गेनिज्म के अंदर वो मुसलसल सीजलेस बायोकेमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है. कैसे इन्वॉल्व होता है? कि वो सेल के अंदर ये रुझान होता है कि वो बाहर से बायो जो केमिकल्स हैं वो उसके अंदर आते हैं और वो उनको कन्वर्ट करके सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स बनाता है. मुख्तलिफ किस्म के बनते भी हैं और टूटते भी हैं सेल के अंदर. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनवायरनमेंट से केमिकल्स आते हैं,
वो खास स्ट्रक्चर बनाते भी हैं और सेल के अंदर वो स्ट्रक्चर टूटते भी हैं। ये तरीका है सेल का जो सीजलेस है, ये प्रोसेस एक सीजलेस प्रोसेस है जो मुसलसल चलता है और ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड, हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इस प्रोसेस के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में के एक रिएक्शंस को मुसलसल कैरी ऑन करना। बाहर से केमिकल्स सेल के अंदर आए, आके एक स्ट्रक्चर्स को बनाए, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को, और अंदर ही बनते भी हैं वो स्ट्रक्चर्स को बनाते भी हैं और वो स्ट्रक्चर्स फिर टूटते भी हैं। ये एक सीजलेस प्रोसेस है जो सेल्स के अंदर चलता है मुसलसल और हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है जो सेल्स के अंदर चलता है। इसके बाद हम ये बात करते हैं कि सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, ऑल सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन द सेल व्हिच इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ये जो सारे केमिकल रिएक्शन सेल्स के अंदर चलते हैं सेल के फंक्शन को कायम करने के लिए, जो बाहर से केमिकल्स आते हैं अंदर बना भी रहे हैं स्ट्रक्चर्स को, तोड़ भी रहे हैं, इस सब को हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। और मेटाबॉलिज्म की आगे दो कैटेगरीज हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके एक लार्जर मॉलिक्यूल को बनाते हैं, और ऐसा रिएक्शन जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके लार्जर मॉलिक्यूल्स को बनाए उसको हम एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। और एनाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी चाहिए होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए। वो जुड़ते हैं तो फिर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है। इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, और ऐसा रिएक्शन हो जिसमें ये काम हो उसको हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं, तो कैटाबॉलिज्म ऐसा रिएक्शन जिसमें बड़ा मॉलिक्यूल टूटे और छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो और उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड हो, ऐसे रिएक्शन को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? कैटाबॉलिज्म, उसको हम प्रोसेस को कहते हैं, और ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो ये मेटाबॉलिज्म की कैटेगरीज है, और इसमें आगे हम ये देखते हैं कि ये कोऑर्डिनेटेड कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक एक्टिविटीज सेल के अंदर चलती हैं जो सेल के सर्वाइवल के लिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं। इसी बिना पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स सेल के अंदर बनते भी हैं और टूटते भी हैं। इसी इन्हीं रिएक्शंस की वजह से बॉडी को एनर्जी मिलती है और बॉडी सर्वाइव करती है किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं, ये वो बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये वो बेसिक कंपाउंड्स हैं जो सेल में बनते हैं, मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बॉडी को एनर्जी देते हैं, स्टोर फूड स्टोरेज के काम आते हैं, जो लिपिड्स हैं, ये सारी चीज़ें इस तरह बॉडी के सर्वाइवल को मेंटेन करती हैं। और जो रिएक्शंस होते हैं वो हमने देखा कि कैसे एनाबॉलिज्म होती है और कैटाबॉलिज्म मुसलसल एक सेल में होती है। ये सीजलेस प्रोसेस है, एक लफ्ज़ हमारी बुक में यूज हुआ है, सीजलेस है और हाईली ऑर्गेनाइज्ड, हाईली डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इन रिएक्शंस के अंदर। अगर एक बॉडी जिंदा है तो ये चीज़ें मुसलसल उसके अंदर चलेंगी तो वो जिंदा रह सकेगा। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, और ये उसमें हमने ये जो चंद चीज़ें पढ़ी हैं, अगर आप इस इंट्रोडक्शन को रीड करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हम वन बाय वन एक एक टॉपिक को इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन हो इसमें तो ज़रूर पूछिएगा। साइंस शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।